गुड मॉर्निंग, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। मैं सुबह को 5 बजे उठाऊँ क्योंकि फ्लैग ऑफ 7 बजे हैं, इसलिए हमें जल्दी से निकलना है महिंद्रा के प्लांट के लिए। वहाँ पे बहुत सारी कार्स होने वाली हैं। आई जस्ट होप कि मुझे रेड कलर की गाड़ी मिल जाए। हमारी महिंद्रा मराजो आ गई है। मतलब ये हुई ना मीडिया ड्राइव, जितनी सारी गाड़ियाँ चाहिए ले लो सबको एक एक गाड़ी। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। आज पता चला गगन मानिकचंद खाते हैं क्योंकि ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, हाई कैसे इंक्रीज होगी आपकी? अरे सर, स्कॉर्पियो की कम होगी और आपकी बढ़ गई। आपसे बात करने के लिए करना पड़ता है, ये ऐसे देख रहा था आदमी बढ़ना। वैसे हम लोग इस पे खड़े हैं, बैलेंस किया हमने। और देखो कितनी स्कॉर्पियो लेकर आए हैं, टोटल 79 स्कॉर्पियो को यहाँ तक दिख रही है। अब काउंट कर रहे हो क्या बैठ के? 79 नंबर दिख रहा है आप। फाइनली फ्लैग ऑफ हो गया, यहाँ से धुआंधार आग निकल रही है। ओह माय गॉड, मैनुअल का मजा ही अलग है। वापस उस फास्ट टैग फेल होने वाला है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डंडा डाल के फास्ट टैग को डिटेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। टेक 3, क्योंकि टेक 1 वो था डंडा, सेकंड था और ये तीसरा है, चौथा अटेम्प्ट। भैया आप गाड़ी रख लो ना, बेस्ट। और अब हम आए हैं मिलने रोनाल्ड भाई से। मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं क्योंकि क्या हुआ है, ब्रेकफास्ट हमें नहीं दिया गया ना। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और मतलब इतना मतलब फनी लग रहा है। कल रात को बोल रहे थे कि आप होटल में मत खाना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम नहीं होगा और बहुत जल्दी आपको पहुंचना है प्लांट, तो हम आपको एक फूड पैकेट देंगे। ठीक है, सुबह को किसी ने फूड पैकेट दिया नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे खा लेंगे फट से और फिर ड्राइविंग व्लॉग स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा एक्सप्रेस वे पे ही जल्दी से ड्राइविंग व्लॉग निपटाएंगे, फिर जाएंगे ऑफ रोडिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज करेंगे। लेकिन जो वॉक अराउंड वगैरह मैं सोचा हूँ कल करूँगा, आराम से शांति से रात भर गाड़ी में बैठूंगा, समझूंगा और करेंगे। चलो जल्दी कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है आज। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी एक और प्रॉब्लम होने वाली है। बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग व्रिजलिंग चालू हो रही है। वैसे गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है, मतलब इतनी रिफाइंड, इतनी स्मूथ, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और इसकी हैंडलिंग और राइड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। इनफैक्ट पुरानी स्कॉर्पियो से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो लेवल है इस कार का। लेकिन थोड़ी बहुत महंगी है, थोड़ी बहुत फीचर्स मिसिंग है एंड इस प्राइस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ऑटो ड्रिमिंग मिरर तो दिया जाए। नाश्ता तैयार है, फिलहाल बज चुके हैं 10:10, क्लाउड्स बहुत तेज मूव हो रहे हैं। गाड़ी को यहाँ पे हमने पार्क कर दिया है पत्थर के ऊपर, थोड़ा सा शूट हो गया है, काफी सारा शूट बाकी है बट आराम से कर देंगे, बहुत ही ज्यादा टाइम है आज, मजा आने वाला है। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है, हम सोच रहे हैं कि पुलिस की वर्दी लेते हैं और इसके साथ एक किक एस रील बनाते हैं सिंगम या सिम्बा बन के। पर क्या है ना, बॉडी नहीं अपने पास बिल्कुल भी, बट गाड़ी में थोड़ा स्वैग आ जाएगा अगर ये सब कर पाए बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स ना। धूप आ रही है जा रही है, कभी धूप है कभी छाव है कभी कुछ है कभी क्या है, कैसे करेंगे हम शूट आज? हाँ जुबैर, शादी कब कर रहे हो? टाइम है शादी का। कितना टाइम है यार, ऐसे थोड़ी होता है। मे बी नेक्स्ट ईयर। कब तक ऐसे मतलब लड़की को धोखा देते रहोगे? तुम्हें शर्म आती है? धोखा नहीं दे रहा मैं। लोनावला एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन में हमेशा ही कोहरा मचा हुआ होता है, विच इज़ वेरी गुड क्योंकि इससे टेम्परेचर कम हो जाता है और मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे क्या है, तो वो सस्पेंस की वजह से ना ड्राइविंग का अलग ही फील है, स्पेशली मैनुअल चलाओ तो और भी मज़ा। ऑफ रोडिंग एरिया पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जबकि हमारा स्लॉट 6 घंटे बाद है। कोई नहीं, अरे भाई पूरे पुर्जे हिल गए आज तो। ठीक है, पार्किंग एरिया ऐसा है, देखो पीछे के चक्के बस घूम ही रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों के, बहुत डिफिकल्ट हो रही है पार्किंग बिकॉज बारिश की वजह से पूरी मट्टी वट्टी फैल गई है, गाड़ियाँ बहुत गंदी हो गई, इसलिए आज तो स्टैटिक शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑफ रोडिंग हो गई है और अभी लंच के लिए आए हैं, बट लेट सी नहीं यहाँ पे, बाय द वे रेन बहुत ज़्यादा हो रही थी बट फिर भी इतना मज़ा नहीं ऑफ रोडिंग, इट वॉज लाइक लिटिल एमेच्योर टाइप्स। ये देख लो लंच, खाना तो ले लिया लेकिन स्पून ही नहीं है, तो वी वेटिंग सिंस 10 मिनट्स ताकि एक चमचा मिल जाए। स्पून अभी तक नहीं आया इसलिए हम आइसक्रीम स्पून से खा रहे हैं। लेफ्ट में है ओरिजिनल स्कॉर्पियो, राइट में है नई वाली स्कॉर्पियो, कौन सी बेटर लगती है बताओ? ऑफ रोडिंग के समय ये साइड में जो है ना पैनल बॉडी साइड मोल्डिंग वो उखड़ गया। कार के पास पहुंचना एक और चैलेंज है बिकॉज यहाँ पे रोड इतनी ख़राब हो चुकी है ना, आधी से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे अटक रही थी बिकॉज ये सब रियर व्हील ड्राइव है, यहाँ पर फोर व्हील ड्राइव सिर्फ ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के लिए दी गई हैं, तो अभी यहाँ पे कैसे जाएं? जूते तो गए आज, 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर इसमें चले जाएंगा पूरा शूज देख। सॉरी सॉरी सॉरी,
जैसे मैं बोल रहा था गाड़ियां अटक रही हैं, वो देखो अटक गई एक सफेद कलर की गाड़ी, वहां पे धक्का मार के निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक पुरानी जिसमें वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, विंच। ये देखो आगे पीछे कर करके ये तो बहुत हालत खराब होने वाली है आज। अभी वो विंच करके बाहर निकालेगी। एक्चुअली ये जो क्लासिक और थार वगैरह है ना, इनमें लगा हुआ है विंच, प्लस इसमें फुल ऑफ रोड टायर्स हैं, तो ये अटकेंगी नहीं आसानी से। बस घूमता रहेगा पीछे का चक्का, आगे में कोई ट्रैक्शन नहीं, कुछ पावर नहीं है, तभी फोर व्हील ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रियर व्हील ड्राइव से कुछ नहीं होने वाला भैया। एक और स्कॉर्पियो हुई शिकार ऑफ रोडिंग के, अटक गई वहाँ पे, बस चक्के घूम रहे हैं उसके। सब लोग गंदे होने वाले, देखो कितनी मिट्टी हो रही है, पुश करते करते भाग रहे हैं, निकल जाएगी शायद, अब तो निकल ही जाएगी, थोड़ा मोमेंटम आया है। लेकिन अरे यार यहाँ पे एक निकली तो दूसरी अटकी, एंड पुश 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 पुश, कम ऑन कम ऑन। ये यहाँ पे वापस स्लाइड होने वाली, एक और गाड़ी अटकने वाली अभी। अब बस यहाँ पीछे हट जाओ, गंदे हो जाओगे। ओके, बोथ द विंचेस आर आउट। आर यू टेलिंग मी दे नीड 2 inches टू पुल आउट दिस फोर्स टेम्पो ट्रैवलर? प्रोबेबली यस। ओके, अब हमारी बारी है अटकने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड इसको फर्स्ट गियर में डालते हैं, हैंड ब्रेक डाउन, जुबेर कैमरा पकड़ो, चलो निकालते हैं एकदम आराम आराम से। जैप मोड एक्टिवेटेड बोल रहा है, यहाँ पे अटकने की बहुत चांसेस है, थोड़ा मोमेंटम, और ये हम अटक गए। लोग बोल रहे हैं कि तुम रुक जाओ भाई, हम आएंगे धक्का मारेंगे। ओह गॉड, ऐसे हमारी हालत होने वाली, बिकॉज़ हम बुरी तरह अटक चुके हैं। जुबैर क्या है, कैसे करते हो तुम? और वो देखो पाथ बिल्कुल अटका नहीं, क्या बात है, एकदम सॉलिड ही निकल गया। एक्चुअली जहां पे वो खड़ा था ना, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी। अभी हमें पुश मिलने वाला है अच्छा खासा, लाइक अ प्रो। थोड़ा थ्रॉटल मार मार के निकाल ही रहे हैं गाड़ी को हम कैसे भी करके, मतलब आई एम कीपिंग द रेव्स अंडर 2000 आरपीएम, उसके ऊपर लेके जाओ तो फंसने का बहुत चांस है, और हम ऑलमोस्ट निकल गए, मजा आ गया। ये देखो हम खुद ही फोर व्हील ड्राइव है यार, गाड़ी नहीं है, हम खुद हैं फोर व्हील ड्राइव भाई। आगे दिखाओ, देखो कितने आसानी से एकदम टू व्हील ड्राइव गाड़ी को एकदम रॉक स्टार की तरह निकाल रहे हैं। अभी हम लोग फूड मॉल पे रुके हुए हैं क्योंकि कुछ खा लेते हैं, लंच तो किया नहीं ठीक से। वो बाय द वे सफारी पुरानी वाली स्टॉर्म तो बहुत सेक्सी है, और ये हमारी लाल गाड़ी। पीपल आर स्टॉपिंग टू टेक पिक्चर्स ऑफ द कार, दैट्स हाउ फेमस इट हैज ऑलरेडी बिकम, दैट्स द रीजन दिस कार इज गोइंग टू सेल, मतलब बहुत अच्छे नंबर में बिकने वाली है गाड़ी, क्योंकि लोगों देखो ये पूरा वीडियो बना दिया, तो रील बना दिया, अंकल हमें भी फुटेज दे दो ताकि हमारा वीडियो अच्छे से बन जाए, आपने ऑलरेडी हमारे बना दिया, धन्यवाद। अंकल को इंटीरियर देखना है गाड़ी का। व्हाट, कैपेचिनो ब्राउन राइट? यस यस, कैपेचिनो ब्राउन। अभी हम निकल चुके हैं लोनावला से, फूड कोर्ट पे रुके थे बस 2 मिनट के लिए बिकॉज जुबैर हैड टू गेट ऑफ, और अब हम जा रहे हैं मुंबई। एंड यहाँ पे हमें पुरानी स्कॉर्पियो दिख गई है, पुरानी स्कॉर्पियो पे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यार आने लग गया है ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज नई वाली में वो फील है नहीं, बट परफॉर्मेंस तो बहुत लाजवाब है, एंड आई लव द वे इसकी जो डायनामिक्स है, राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, तो आई थिंक इट शुड सेल वेल। बट ओनली थिंग प्राइस का मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ज़्यादा ही कर दी है प्राइस। चलो एक काम करते हैं, घर पहुँचते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, हमारी स्कॉर्पियो हमें मिल गई, फाइनली घर पहुंच गए। इट इज़ 4:30 राइट नाउ। थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश में मैं मिक्स हो रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में इंग्लिश में बनाता हूँ, यहाँ पे मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो थोड़ी बहुत खिचड़ी हो रही है। स्कॉर्पियो को यहाँ पे पार्क कर दिया, कल अच्छे से धुलेगी, एक बार धुल जाएगी फिर हम एक कड़क सा वीडियो शूट करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर। बहुत ही शुक्रिया, अगर आपको पसंद है ज़रूर इसको लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये मेरा पहला वीडियो तो सपोर्ट कीजिए। एंड स्कॉर्पियो चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, इनफैक्ट रिटर्न में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज रिटर्न जर्नी में कुछ अलग ही फील होती है कि घर पहुंचना, चलो जल्दी चलाते हैं। रुको जरा, सबर करो। आज पूरे दिन शूटिंग में ही गया, बिल्कुल कुछ खाना नहीं खाया है, अभी भी शूट चल रहा है, बच चुके हैं ऑलमोस्ट 5:30, लाइट जाने वाली, ऑफिस में जाके कुछ वीडियोस एडिट भी करवाने। ये सफारी है जो उसकी राइवल है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे बिकॉज ये बॉडी ऑन फ्रेम और ये मोनोकॉक, यार कम ऑन समझा करो। अभी टाइम बच चुके हैं ऑलमोस्ट 7 एंड इसका हम शूट अभी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कल हमें जाना है, इसके चक्कर में हमने अभी तक कुछ एडिट नहीं किया, इसका वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबा है, वो भी एडिट करना बाकी है, और ये गाड़ी अटक ना जाए यहाँ पे,
ऐसा लग रहा है अटक रही है. कम ऑन ट्रैक्शन 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 राइट लेफ्ट मार के निकाल लो नूरेन, कम ऑन यू कैन डू दैट. ओ गॉड थैंकफुली निकल गई, बिकॉज अभी मुझे एक घंटे का एडिट करना है, परसों का एडिट करना है, कल का प्रिपेयर करना है, पैकिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें करनी है. समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, डर लग रहा है हमें अब. और यहाँ पे नूरेन और स्टंट्स कर रही है, ये देखो पानी उड़ाने वाला. आउच.